कानपुर के शेल्टर होम में कई बच्चियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इस मसले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। इस मसले पर बीते दिन उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा था। अब शुक्रवार सुबह प्रियंका गांधी ने इस पर जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा कि वो इंदिरा गांधी की पोती है, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा, जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि जो भी कार्यवाही करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। बता दें आपको कि कानपुर के एक शेल्टर होम में बीते दिनों उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां 57 लड़कियां कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। इसके अलावा इनके करीब 6 गर्भवती भी थी। इसके बाद से प्रियंका गांधी इस मामले को उठा रही थी। बीते दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट में कानपुर शेल्टर होम में नाबालिग की लड़कियों के गर्भवती होने और खासकर एचआईवी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमित होने की बात कही थी। इसी को लेकर प्रदेश को प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि इस पोस्ट को 3 दिन के अंदर हटाएं अन्यथा कानूनी एक्शन लिया जाएगा। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।